कल के प्रोग्राम में आपको बताया था और हमारे जिक्र हुआ था कि अलैहिस्सलाम के भाई इनके पास आए और उन्होंने फिर आपको पहचाना और पहचानने के बाद फिर अपनी ख़ता का एतराफ़ करने पर मजबूर हुए अब अलैहिस्सलाम ने पहले अपने वालिद की जुदाई का गम बर्दाश्त किया फिर कुएँ की कैद फिर इसके बाद उनको मिस्र के बाज़ार में बेचा जाना जो बाहर एक शरीफ अकौम के लिए और एक इ्ज़त नस रखने वाले शख्स के लिए यकीनन एक बहुत ही घिरा अमल था कि सब किसी एक शरीफ आदमी की बोली लगाएँ बाज़ार में और एक आम आदमी भी इसे लिए अपने बाई से जिल्लत तस्वूर करेगा तो अलैहिस्सलाम पर यह आजमाइश अल्लाह तबारक व की तरफ से आई और इसका सबब भाई बने ये भी आपने बर्दाश्त फरमाया फिर मिस्र में तश्फ़ लाने के बाद एक तवील अरसे तक आपद में बंद किए गए ये सारी तकलीफ़ें सारी आजमाइशों के बावजूद जब भाइयों ने आपके सामने अपने खता का एतराफ़ किया तो आपने आपनेशाद फरमाया ये नाइन्टी टू आयत इसी से शुरू हो रही थी जो हमने कल बयान की थी खौलला तसरीब अमल्योम आपने फ़रमाया कि आज तुम पर कुछ भी मलामत नहीं और मैंने अर्ज़ किया था कि ये वही बिल्कुल बेन ही जुमला है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुार मक्का के लिए फ़तह मक्का के मौके पर इरशाद फरमाया था चालीस साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसम नेलान नबूत फरमाया और फिर तेरह साल तक इसके बाद आप मुकर्रमा में जलवा अफरोज़ रहे थे और इन तेरह सालों में कोई ऐसा दिन शायद नहीं गुज़रा होगा जिसमें एक नया गम एक नई अजियत और एक नई तकलीफ़ एक रूहानी तकलीफ़ आपको ना दी गई हो कभी बरह रास्त आप पर हमला और कभी आपके सहाब कराम को तकलीफ़ पहुँचाना ये भी कल बन्वर के लिए रंजीत की एक सबब बनता था तो इसके बावजूद फिर इसके बाद दस साल आप मदीना मुनव्वरा में रहे उसमें भी इतने मतलब जिहाद मसाइल लेकिन जब नबी करीम वसल्लम मक्का के मौके पर एक फातह की हैसियत से अंदर दाखिल हुए और बड़े बड़े रोसा और वो पुराने दुश्मन आपके खौफ की वजह से काँप रहे थे कि शायद अब हमारे साथ इनतामी कार्रवाई होगी क्योंकि अमूमन इसी तरह होता चला आया था कि जो हाकिम गालिब होता था और उसके साथ कोई ज़्यादती की गई होती या किसी ने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम किया होता तो फिर वो बादशाह उसको ज़िंदा छोड़ते नहीं थे इसी गो इसी पर गुमान करते हुए उनके दिल में खौफ मौजूद था लेकिन जब नबी करीम अलैहि वसल्लम वहाँ जलवा अफरोज़ हुए तो आपने उन सबसे सवाल किया उनकी हालत देखी आप आलमीन तो थे शफकत पैदा हुई और आपने शायद फरमाया कि आज तुम मुझसे किस सलूक की, की तमन्ना रखते हो तवक्को रखते हो उन्होंने कहा कि आप शरीफ हैं और शरीफ बाप के बेटे हैं आप करीम हैं करीम बाप के बेटे हैं यानी उनका कहने का मकसूद ये था कि जब करीम गालिब आता है तो इजहार करम फरमाता है इजहार इंतकाम उससे शादिर नहीं होता लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खून के प्यासों के लिए भी यही जुमला शाद फरमाया था कि ला तसरीबा अलैकुम अल यौम आज तुम में से किसी पर कोई मलामत नहीं तुम सब चले जाओ मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया उस वक्त बहुत से सैकड़ों कुफार ऐसे थे जो इस मंज़र को देख कर और नबी करीम अलैहि वसल्लम की इस अफव दरगुजर की शान को देख कर ईमान लाने की सदत हासिल करने में कामयाब हुए थे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी बयान फरमाए इससे मालूम हुआ कि अम्बी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा रहा है कि अगर कोई उनके साथ ज्यादती करता था और फिर इन्हें उन पर गालिब आकर इंतकाम का मौक़ा मिलता तो वो बहुत ही समझदारी का मुजाहरा करते जल्दबाज़ी नहीं किया करते थे और खुर गौर व करके गोया के इस फ़ैसले पर पहुंचा करते थे कि इंतकामी कार्रवाई से हमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा या अफवो दरगुजर से अल्लाह तबारकाल हमसे राजी होगा और इसमें उखरबी ज़्यादा दराजात और इनामात हैं तो फिर यही उनके सामने मामला आता था कि अफव दरगुजर करना ही ये एक आला शान वाले की शान है और एक करीम का करम इस बात के ही तकाजा करता है कि वो करम का इजहार करें और ये इस वजह से भी था कि अम्बिया जो हैं ये अल्लाह तबारक वताली की सिफात का मजहर होते हैं खसूस अम्बे आसलम वो सिफात का मज़हर से मतलब जो अल्लाह तबारक वताली की अच्छी सिफात हैं उनफा की मिसल इन से भी उनफा का उस किस्म की उनकी मिसल सिफात का हूर होता है जैसे अफ व दरगुजर या अल्लाह तबारकवा ताली की आदत करीमा है कि अल्लाह ताला बहुत दरगुजर फरमाता है मुआफ़ फरमाता है आप पूरी कायनात में देख लें बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो मादला अल्लाह ताला को गाली तक देते हैं बुरा भला कहते हैं उसकी नाफरमानी करते हैं उसकी नमतें खाते हैं कररार भी करते हैं लेकिन उसके दुश्मन शैतान का कहना मानते हैं और उसकी अता करदा तलीमत के ख़िलाफ़ बसा अवत में बगावत भी बुलंद करते हैं लेकिन उसकी शान करीमी ऐसी है कि फिर अगर कोई ताइब होकर नादिम होकर उसकी बारगाह में रुजू करता है तो उसकी रहमत उससे धुतकारती नहीं है बल्कि एक मुशफ़ माँ की मिसल अपनी आगोश में ले लेती है और उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाता है तो यही आदत करीमा जैसे अल्लाह तबारक व ताली की यह सिफत है यही आदत करीमा सलाम में भी बदरजवाला नज़र आती थी और एक उम्मती होने की हैसियत से और जैसे कि अल्लाह ने शाद फरमाया कि इही दिन सरातलमस्तकीम सरातल एमतअम हम पर यह वाजिब कर दिया कि दुआ मांगे कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया तो ये जो अम्बासम यकीन अल्लाह के नाम याफ़्तर बंदे हैं इनका एक रास्ता एक तरीक़ा एक अबल अफ वगुजर वाला भी था लिहाजा हमें चाहिए कि अम्बा साम से जो महब्बत है उस महब्बत के तकाज़े के तहत हम उनकी जो पैरवी करते हैं इतात करते हैं इस जज्बा इतात के तहत और फिर उनके तरीक़े पे चलने को अल्लाह ताला ने जो तरत मुस्तकीम इरशाद फरमाया इस मफहूम के तकाज़े के तहत हमें चाहिए कि अम्बिया की आदतों को अपनाएं और जब हमारे साथ भी कोई ज़्यादती और बुराई करे और उसके बाद फिर हमें रद्द अमल का, का, का मौका मिले मिले इंतकामी कार्रवाई का मौका मिले तो जज्बाती जुनूनी बेवकूफ़ होने के बजाय और बिला सोचे समझे सामने वाले को अजियत तकलीफ़ और जुल्म का शिकार करने के बजाय हमें भी आला ज़र्फी का मुजाहरा करना चाहिए वसात ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए और सामने वाले को हकीकता आप इंतकाम ले लें तो शायद इतनी तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकते जितना आपका अफ व दरगुजर उसके लिए बायस अजियत हो सकता है इसलिए कि सारी ज़िंदगी के लिए आपने एक अच्छे अमल के ज़रिए उसके मुँह पे ऐसा थप्पड़ मार दिया है कि जिसकी सख्ती और जिसकी मार का असर वो सारी ज़िंदगी महसूस करता रहेगा ये बहुत बड़ी बात होती है कि अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल और अपने नफ्स को एक इंतकामी कार्रवाई से रोकने के बाद आप अपने दुश्मन पर एक ऐसा असर मरतब कर देते हैं उस पर एक ऐसे असर को छोड़ देते हैं जो फिर मौत तक उसको आपकी याद दिलाता रहेगा और आपका अच्छा तस्वर उसके जहन में पैदा होगा लेकिन ये याद रखिए कि बाज बाज़ात आपको वो दरगुजर ना करना ही अवला होता है एक बेटा है किसी का वो बाप ने देखा कि सिगरेट पी रहा है फिर देखा कि वो लड़कों के साथ बैठा हुआ कुछ चर्स वगैरह पी रहा है अब बाप कहे चलो ये दरगुजर करता हूँ तो ये दरगुजर करना बारगाह इलाह में मकबूल नहीं है क्योंकि अब बच्चा एक बुरी आदत की तरफ़ बढ़ रहा है यहाँ पर उस पर सख्ती करना ज़रूरी होगा इसी तरीके से अगर कोई अल्लाह ताला की ताफरमानी में मुबतला है तो उससे दरगुजर करना उसको नज़रअंदाज करना और उसकी बुराई से उसको रोकने की कोशिश ना करना और उसकी बुराई को मामूली और हकीर तस्वूर करना और ये सोचना कि सभी कर रहे हैं भी कर रहा है तो क्या हुआ तो ये गलत रवैया होता है गलत तरीक़ा होता है हमें चाहिए कि उस शख्स को रोकने की कोशिश करें यहाँ दरगुजर नहीं होगा इस तरह हर वो मामला इसी तरह मसलन आपने कोई दुकानदार को देखा कि वो लोगों को कम तोल कर देता है धोखा देता है मिलावट करके माल बेचता है अब आप कहें कि चलो इसकी इस हरकत से आप दरगुजर करता हूँ नहीं अगर आपके साथ उसने बुरा सलूक किया और आप दरगुजर कर रहे हैं तो ये सोचिए कि वो दूसरे मुसलमानों के साथ भी तो ऐसा करेगा लिहाजा अब दूसरे मुसलमानों को इसके शर से महफूज रखने के लिए दरगुजर नहीं करेंगे बल्कि इसके सराज़ को इसके इस धोखा देने की आदत को लोगों पर मुंकशिफ करना ज़रूरी है ताकि लोग इसके शर से महफूज रहें तो ये फ़ैसला हमें आ, सोच समझ के करना होगा कि कहाँ अफ दरगुजर बेहतर होता है और कहाँ नहीं होता क्योंकि बाजा अवतारत आप किसी को मवा करेंगे तो वो जुर्म में हद से बढ़ेगा और मतलब उसकी हौसला अफजाई होगी अगर ऐसा महसूस हो कि हमारा किसी को मवा करना किसी को दरगुजर किसी के साथ दरगुजर वाला मामला करना उसे गुनाहों पर मज़ीद ज़रूरतमंद कर देगा तो वहाँ कोई और फिर Uh, मतलब तदबीर इख्तियार करनी चाहिए कि वो गुनह से भी बचे और अफोदरगुजर का मामला भी उसके साथ नहीं हो كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فابن فرماية قال: لا تصليب عليكم اليوم. आपने शायद फरमाया कि आज तुम पर कुछ भी मलामत नहीं यक़्रकुम यकफ्रकुम फिर उनको दुआ दी कि अल्लाह ताली तुम्हें मुआफ़ करे वह व अरहमर और वो सब रहम फरमाने वालों से बढ़ कर रहम करने वाला है अब वो भाइयों ने आपको बताया कि जी वालिद साहिब तो रोते रोते उनकी आँखें ही सफ़ेद पड़ गई हैं और अब हम क्या करें तो आपने शायद फरमाया कि तुम ऐसा करो वो आपको याद होगा कि मैंने शुरू में ऐसा किया था कि जब भाइयों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ जंगल में खेलने के लिए ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था तो याकूब अलैहिस्सलाम के पास एक कमीज थी जो रेशम की थी जो हज़रत इब्राहीम को उस वक्त पहनाई गई थी जब आपको आग में डाला जा रहा था तो उनसे ये आई हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास पास और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आई क्योंकि वो आपके वालिद थे हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक़ल को उन्होंने फिर अपने बेटे याकूब को दी और याब्लाम ने फिर वो इतनी यानी जन्नती रेशम की बनी हुई थी तो उसको यूँ समेटा तो बिल्कुल वो बारीक हो गई थी पतली हो जाती थी इतना यानी नफीस रेशम था उसको बिल्कुल एक तवीज़ की तरह बनाकर हज़रत यूसुफ़ल के गले में बरकत की नीयत से डाल दिया गया था याकूब ने डाल दिया था अब जब भाइयों ने बताया कि वालद साहिब की निगाहें ऐसी ऐसी हो गई हैं तो फिर इन्होंने वही कमीज़ जो थी वो निकाली और फरमाया कि ये ले जाके वालद साहब की आंखों पे लगाओ तो अल्लाह तबारक वाली इसकी बरक़त से उन्हें आंखें अता फ़रमाएगा तो आपने फ़रमाया इज़ हबु बमीसी हाजा तुम ये वाली मेरी कमीज़ ले जाओ फ़ाल अला वज ही अबी फिर इसे मेरे वालद के चेहरे पर डालो या अति बसरा उस वक्त उनकी आँखें खुल जाएँगी वो बसर हो जाएँगे देखने लग जाएँगे वतूनी बहल कम अजमीन और अपने सब घर भर घर वालों को मेरे पास ले आओ यानी जाओ ये काम करो फिर सबको मेरे पास लेकर आ जाओ तो इससे ये मालूम हुआ कि ये पहले दौर से ही ये मामला चलता चला आ रहा है कि जिस चीज़ को अम्बिया से नस्बत हो जाए उसे बाबरकत तस्वुर किया जाता था और उसे इलाज मुआलजे के लिए और मुसीबतों के दूरी के लिए वसीला बनाया जाता था अब अलैहिस्सलाम ये भी तो अर्ज़ कर सकते थे कि अल्लाह तो बिना फरमा डायरेक्ट अल्लाह से अर्ज़ कर देते या याकूब थे खुद अल्लाह की बारगह में अर्ज़ कर देते जब उनको पता चलता कि यूसफ़ हैं मौजूद तो फिर वह अल्लाह की बारगह में दुआ कर लेते नहीं अल्लाह तबारा का वाली ने यकीन ये कमीज़ को भेजने वाला मामला हजरत यूसफ को इ्हाम फरमाया और क्यों इाम फरमाया ताकि ये आकीदा या, या नज़रिया इसकी दुरुस्तगीयामत तक के लिए सबित हो जाए कि जो चीज़ अल्लाह के मुकर्रब बंदों से ताल्लुक़ रखती है वो इंतहाई बाबरकत हो जाती है और उसकी वजह से परेशानियाँ और हाजात इंसान की परेशानियाँ दूर होती हैं हाजात मुकम्मल होती हैं और इसी में इस तरह भी इशारा है कि जब एक नबी से ताल्लुक़ रखने वाली कमीज़ की इतनी बरकत है कि वह बिनाई फराहम कर सकती है तो फिर खुद उस नबी की क्या बरकत होगी उसकी बरक़ात का आलम क्या होगा और फिर वो बनी इसराइल में मबरोस फरमाए गए नबी और हमारे नबी करीम वसल्लम जो तमाम अम्बलम से बिल इत्तिफाक अफज़ल और आला हैं तो इनकी बरक़ात का आलम क्या होगा इनके जिसमें मुकदस से जो चीज़ें लग रही होंगी उनकी बरक़ात का क्या ठिकाना होगा हम कोई अंदाज़ा इसमें नहीं कर सकते तो फरमाया कि इज़ हबु बमी सिहाज़ा ये मेरी कमीज़ ले जाओ फ अलकूह अलावज अबी फिर इसे मेरे वालद साहिब के चेहरे पर डालो या अति बसरा तो उनकी आँखें आ जाएंगी या उनको देखने लग जाएंगे वतूनी भी अहली मजमाइन और अपने सब घर वालों को मेरे पास ले आओ वलम्मा फसलातिल फसल और जब ये काफ़िला मिस्र से जुदा हुआ अब ये गए लेने के लिए ना कौला अबू हम तो इनके वालिद ने फरमाया अब यहाँ मिस्र से चला है वहाँ की नान बहुत कई सैकड़ों मील का फासला है लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने एक जुमला आगर शाद फरमाया जिस जुमले से साबित हुआ कि अम्बिया को अल्लाह तबारक व ताला आम लोगों से ज़्यादा नेमतें और सिफ़ात अता फरमाता है उनके देखने की उनके सुनने की उनके सूँगने की सलाहियतें एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा होती हैं लिहाजा वल्मा फसलू फिर जब ये काफ़िला मिस्र से जुदा हुआ कौला अबू हम तो उनके वालिद यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया इन्नी ला अजीद रिहा यूसफ़ा बेशक मैं यूसुफ़ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ अब देखिए कहाँ इतना दूर और आप यहाँ से फ़रमा रहे हैं लाउला तुफनदूँ अगर मुझे ये ना कहो कि मैं बहक गया हूँ यानी अगर तुम मुझे बहकाव तस्वुर ना करो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे यूसफ की खुशबू आ रही है यह आपने फरमाया था अपने पोता पोतियों वगैरह से जो आगे नसल थी इनके बेटों के बेटे और बेटियाँ हो गए थे उनसे फरमाया कि अगर तुम मुझे बहका हुआ तस्वुर ना करो तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है आलू तो वो बेटे वगैरह बच्चे बोले तो अल्लाकी गलाकदीम कि खुदा की कसम आप अपनी उस उसी पुरानी महब्बत में गुम हैं अभी तक वही जो आपको अपने साहिबजादे यूसुफ़ से पहले की मोहब्बत थी आप अभी तक उसी तस्वुर में गुम हैं घुमें फ़लमांजा अलबिर फिर जब ख़ुशखबरी सुनाने वाला आया अल्ह अला वजही तो उसने यानी वो खुशखबरी सुनाने वाले यहूदा थे ये उन्हीं के भाई थे दस भाइयों में से एक थे और शायद आपको याद हो कि जब ये भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जंगल में ले गए तो ज़द करने लगे तो इसी यहूदा ने मना किया था कि तो तुमने वादा किया था कि इनको मारोगे नहीं लिहाज़ा इनको जद्दोकोब ना करो और इनको वैसी कुएँ में डाल दो जब ये वापस आने लगे तो इसी यहूदा ने कहा कि ये कमीज़ मैं लेके जाऊंगा इसलिए कि मैंने ही मतलब बड़े कसूर किए हैं और अब मैं चाहता हूं कि चूंकि मैं वालिद साहब की अजियत का सबब बना तो अब जाकर खुशखबरी भी मैं ही उनको सुनाऊं। भाई उन्हें इतफाक़ किया तो फिर ये उस को लेकर ज़्यादा तेज़ी के साथ गए और फिर वालद साहब के पास पहुँचे तो फलम अनजा अलबिरु फिर जब खुशखबरी देने वाला आया अल्ह अलावजी ही तो उसने वो कमीज़ या कुर्ता इनके चेहरे पर डाल दिया फ़र तद दसरा उसी वक्त उनकी आँखें लौट आईं तो देखिए कितनी बरकत है कपड़े को के मस करने की अब ये जो इस कमीज़ से इमदाद हो रही है माँ फ़ोकुलबाब है माँ तहतल इसबाब नहीं है क्योंकि अमून इससे जो है कमीज से शिफाएँ हासिल नहीं होती हैं ये मतलब एक अजीब व ग़रीब सूरत हाल है कि जब अल्लाह तबारक व ताली किसी को शिफा देना चाहता है तो वो शिफा देने में दवाइयों का मोहताज नहीं होता लिहाज़ा आबाद ये कह देते हैं जी दुआओं का क्या फ़ायदा कोई दवाई इस्तेमाल करो इन बाबरकत ये दम के व पानी पीने का क्या फ़ायदा दवाई इस्तेमाल करो उन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कि बताइए यहाँ पे कौन सी आई ड्रॉप्स डाले गए थे कौन सी आँखों के अंदर सुरमे लगाए गए थे जिसकी बिना पर बिनाई लौट कर आई एक नबी के जिसम से मस होने वाली कमीस लगाई गई तो फ़ौर बिनाई लौट आई खुद अल्लाह फरमाया लिहाज़ा ज़रूरत से ज़्यादा अक़ल का इस्तेमाल भी बाजा इंसान को बहुत सी नमतों से महरूम कर देता है दवा का इस्तेमाल ममनू नहीं करना चाहिए नबी करीम अलैहि वम की सुन्नत है लेकिन दवा के इस्तेमाल के मुकाबले में नेक लोगों के अजसाम या नेक लोगों से अजसाम से या दीगर चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाली बबरकत चीज़ों की बरकत का इनकार कर देना या उसे मामूली हकीर समझना ये मुनासिब नहीं है अब कौल आलम अकुम हज़रत याकूबलम ने फरमाया क्या मैंने तुम्हारे लिए ना कहा था इन्नी आलमिन तमाम कि बेशक मैं अल्लाह ताली की तरफ़ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो जैसे कि शुरू मैंने आपको अर्ज़ किया था कि हज़रत याकूब यह बात जानते थे कि यूसुफ़ के साथ क्या क्या मामला होगा और आप सिर्फ़ मशियत अलाही पर राजी थे अल्लाह की रज़ा पर राज़ी थे लिहाजा तो वही बात आपने बयान फ़रमाई कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते इंशाल्लाह इस पर मजीद कलाम अगले प्रोग्राम में होगा वखरुदानबी